हेलो एवरीवन। 16 अगस्त को ये जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था उसके हम लोग सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं और जो की मतलब मैंने बनाई है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चंस कुछ हो सकता है कि माइनर एरर हो, 1-2% से ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है क्वेश्चंस करने की। एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं था बट जो है मैंने इसकी की बना दी है लोगों के बेनिफिट के लिए। तो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए मेजर टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन होता है। जहाँ पे सेल्सियस का 0 होता है वहाँ पे फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री होता है, जहाँ पे सेल्सियस का 100 होता है वहाँ पे फ़ारेनहाइट का 32 में 180 जोड़ दें तो ये आता है 212 पे। और इसमें रिलेशन ये होता है सी माइनस 0/100 यानी कि सी अपॉन 100, एफ माइनस 32/180। तो इसमें आप एफ की वैल्यू फ़ारेनहाइट में पुट कर दो तो सेल्सियस की वैल्यू आ जाती है। एक और रिलेशन होता है, अगर किसी ने पढ़ा हो, 5/9c+32, उससे भी निकाल सकते हैं। ये बेसिक रिलेशन यही है। तो इसमें मैंने जो है रखा, जो इन्होंने दे रखा था 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो एफ की जगह मैंने रख दिया और सी की वैल्यू मैंने सॉल्व की तो 93.3 आ रही है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा ए। सेकेंड क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन से एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। तो देखिए टाइटल्स का एबोल्यूशन जो है आर्टिकल 18 में है। मैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर आर्टिकल 26 है। माइनॉरिटी जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आर्टिकल 29 है। राइट टू एजुकेशन बाद में इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाले में तो 21A है। तो इनको करेक्ट अगर मिला दें तो सेकेंड का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो डी है। तो पहले का करेक्ट ऑप्शन ए था, दूसरे का करेक्ट ऑप्शन डी है। सबको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, पहले का ए था दूसरे का डी है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 74th अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। 73rd और 74th, ये दोनों राजीव गांधी के टाइम पे पंचायती राज और म्युनिसिपल लोकल गवर्नेंस के लिए ऐड किए गए थे। न्यू शेड्यूल तो जोड़ा गया है, 11th शेड्यूल। इट्स रीस्ट्रक्चर द वर्किंग ऑफ म्युनिसिपलिटी, बिल्कुल सही है। वेमेन की म्यूनिसिपलिटी में रिजर्वेशन है, बिल्कुल सही है। इट इज एप्लीकेबल टू सम स्पेसिफाइड स्टेट, ऑल ओवर इंडिया लगाया गया था मेरे हिसाब से। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर बनता है वो ए बनता है, 1, 2, 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग बिसाइज द इन्फेंट्स एंड माइनर्स। देखो सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग तो एक ऐसी चीज है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जिसमें कर सकती हैं। फोर्थ का सी मतलब एक तरीके से ये बोलेंगे कि सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट के बजाय जो थर्ड लिस्ट होती है जिसमें दोनों जो है अपने लॉज बना सकते हैं, एक तरीके से दोनों में शेयर्ड होती है, उसके ये अंदर आ जाएगा फोर्थ का सी। फिफ्थ, ऑल सोशल रिफॉर्मर्स आर ह्यूमनिस्ट टू। तो थोड़ा सा लॉजिक देखिए, अगर सारे सोशल रिफॉर्मर ह्यूमनिस्ट हैं तो इसका मतलब है कि सम ह्यूमनिस्ट तो सोशल रिफॉर्मर है ही ना। बिल्कुल लॉजिक सी बात है, ऑल सोशल रिफॉर्मर और ह्यूमनिस्ट, तो इसका मतलब सम ह्यूमनिस्ट है सोशल रिफॉर्मर, तो फिफ्थ का सी होना चाहिए, फिफ्थ का सी। सिक्स पे आते हैं, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू टू फॉस्टर इंटरनेशनल लॉ, कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो जो सबसे पहले पकड़ना चाहिए, भले आपको सारे ना पता हो, सबसे पहले क्या पकड़ना चाहिए, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव हटाने वाला डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 50 है, तो यानी कि डी का 3 होना चाहिए। और फिर उसके बाद 51 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके ये सब सेक्शन है। तो इसमें जो है आपका जो करेक्ट आंसर है सिक्स का वो है बी, सिक्स का बी, यानी कि ए का होगा 2, फॉस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ये 51C है। और फिर उसके बाद जो सिक्स का बी है उसमें जो दूसरा है जो है कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर आर्टिकल 51A होगा, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड फ्रीडम 51AH होगा, और जुडिशियल एग्जीक्यूटिव 50 है ही। व्हाट नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, 410, 82, 244, 730। तो देखिए इस टाइप की जो सीरीज होती है वो कैसे करते हैं, आप देखो नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, फिर आप पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो। तो पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो तो जब नंबर बढ़ते हैं तो या तो ऐड होके बढ़ते हैं या तो मल्टीप्लाई होके बढ़ते हैं। जब तेजी से बढ़ते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है, धीरे धीरे बढ़ते हैं तो एडिशन होता है। तो ये तेजी से बढ़ रहे हैं, देखिए कहाँ 82 से 244, 730 पहुंच रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ढूंढो। तो मुझे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आया वो क्या है,
4 3 12 में से -2, 2 घटे तो 10 आया। 10 3 30 में से 2 घटे तो 28 आया। 28 3 86 में से 84, 28 3 28 3 उसमें से अगर 2 घटेंगे तो आएगा हमारा 82, और फिर उसके बाद 82 से 244, 3 वही -2 करके 244 से 730। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट बनना चाहिए वो 28 बनना चाहिए, 7 का सी। 8 पे आते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ये सब भाई बहन है या सारे भाई हैं। सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, तो सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। एक तो ये पक्का है कि डी जो है वो वाइफ है, और डी अगर वाइफ है, सी हस्बैंड है, तो ई अगर फादर ऑफ ए है तो ई सी का भी फादर होगा, और डी के लिए वो फादर इन लॉ बन जाएगा। जो डी है, जो फीमेल है, वो ई के लिए डॉटर इन लॉ बन जाएगी। तो डॉटर इन लॉ बी, 8th का बी होना चाहिए, 8th का बी। 9th पे आते हैं। इन ए सर्टेन कोर्ट दिसंबर इज रिटन एज आर एम बी सी डी। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो दिसंबर है उसको अगर हम लिखें आर एम बी सी डी, जो लिखा है, तो देखिए डी डी जो यहाँ पे शुरुआत में था एंड आ गया, ई आर जो लास्ट में था यहाँ पे फर्स्ट आ गया। नो, इसी तरह से जो अर मे बिवनो, इन्होंने बोला है कि अर मे बिवनो जो है वो कौन से मंथ का होगा, तो उल्टा कर दो, एनओ इधर ले आओ, अर इधर ले आओ, तो नवंबर बन जा रहा है। तो 9th का डी होना चाहिए, नवंबर। इन विच ऑफ द इन द फॉलोइंग सीरीज व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, 1 1 2 3 5 8 x 21। साफ साफ देखिए ये जो है नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, यानी कि एडिशन वाले हैं। तो देखिए 1 के बाद 1, 1 और 0 जोड़ के, 2 1 1 जोड़ के, 3 1 2 जोड़ के, 5 2 3 जोड़ के, 8 5 3 जोड़ के, तो जो x होगा वो 5 और 8 को जोड़ के 13 आएगा, 13 यानी कि b। और फिर आप देखो 13 और 8 जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा। तो हर एक नंबर पिछले दो को जोड़ के बनना है, 13 होगा, तो 10th का b होगा। फिर 11th आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन थीम ऑफ रायसीना डायलॉग विच वर हेल्ड ड्यूरिंग 14-16 जनवरी 2020। रायसीना डायलॉग जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से कराती है दिल्ली में, सारे मतलब डिप्लोमेट को बुला के, फॉरेन पॉलिटिशियंस को बुला के कराती है। इस बार की जो उसकी जो थीम थी वो थी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, 11th का सी। एक बार चेक कर लेता हूँ, 11th का सी लिखा है ना, हाँ 11th का सी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, तो नेहरू हम्पी के सिवा और कौन हो सकता है, 12th का ए। अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, जो गोल बनाए गए हैं उसमें इंडिया इंडेक्स, पहली बात तो SDG इंडिया इंडेक्स, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशंस नहीं देता है, नीति आयोग बनाता है स्टेट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए। और इसमें नंबर 1 मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरला, उत्तर प्रदेश भी केरला ही होना चाहिए, 13वें का डी, हाँ केरला ही है। इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन वेरिना इन जनवरी 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ऑपरेशन वेनिला जो है वो मेडागास्कर के लिए चलाया गया था, हुआ क्या था कि जनवरी 2020 में मेडागास्कर वैसे आइलैंड है, उसमें फ्लड व्लड की प्रॉब्लम थी, और मेडागास्कर में वेनिला भी बहुत होते हैं, वेनिला के प्रोडक्शन में मेडागास्कर नंबर 1 है। वेनिला जो हम लोग खाते हैं आइसक्रीम में वो मेडागास्कर की पैदाइश है, तो इसीलिए ऑपरेशन वेनिला से अगर किसी को कनेक्ट करना है तो मेडागास्कर कनेक्ट करना है, 14वें का सी होगा, 14वें का सी। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टुक ओवर द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ G20 कंट्रीज फ्रॉम जापान। G20 कंट्रीज जो 20 मोस्ट डेवलप्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं वो सऊदी अरेबिया के पास चली गई पहली बार, 15 का सी होना चाहिए। लिस्ट करना है जो लिस्ट 1 प्लांट है एनर्जी में लाना, चमेरा तो हाइड्रो पावर का हिमाचल प्रदेश में, ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में, नहीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का खोला गया सोलर पावर वाला, कुदनकुलम सबको पता है तमिलनाडु में एटमिक पावर, पतरातू थर्मल पावर है। तो 16 का जो सही मैच बनेगा वो डी बनेगा। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टोटल रिजर्व ऑफ ऑल ग्रेट कोल इंडिया, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद है 293.5 है कि नहीं, बट ज्यादातर जो कोला है वो झारखंड उड़ीसा से निकलता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो मैंने एक बार कंफर्म कर लेना, बट 17वें का बी लिखा है, यानी कि दोनों सही है बट करेक्ट रीजन नहीं है। ऑफकोर्स 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, थर्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो देखिए सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद तो महाराष्ट्र की है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो भाई मैंने पॉपुलेशन के हिसाब से देख लिया तो 18th का डी होना चाहिए, 18th का डी। नेक्स्ट आते हैं 19, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, ट्राइब्स हैं लोकेशन है, तो ये तो गैस कर लोगे, जरावा अंडमान निकोबार में, कुकी मणिपुर की है, थारू भोटिया उत्तर प्रदेश के हैं सबको याद होगा, गोंड मध्य प्रदेश के होते हैं, गोंडवाना लैंड किसको बोलते थे, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को तो बोलते थे। तो 19th का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा बी, 19th का बी। आगे बढ़ जाते हैं, 19 तक हो गया है, 19th का बी। 20th आ जाते हैं, 20th
मैच लिस्ट वन लिस्ट टू, बायोस्फीयर रीजन नोकरिक मेघालय में है, मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, अगस्ता मलाई केरला में है। तो 20th का करेक्ट आंसर है सी। विद रेफरेंस टू अर्बनाइजेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, 2011 सेंसस में 60% की जो मोर देन 60% टोटल अर्बन पॉपुलेशन थी वो कैटेगरी वन सिटी में थी। कैटेगरी वन सिटी मतलब मुंबई दिल्ली टाइप। और 53 अर्बन एग्लोमरेशन थे 2011 में जिनकी मिलियन प्लस पॉपुलेशन थी। तो मिलियन मतलब 10 लाख से ज्यादा, 53 तो कुछ ज्यादा ही बड़ा फिगर लग रहा है, 10 लाख से ज्यादा 53 तो नहीं होंगे, तो खाली फर्स्ट करेक्ट होगा। तो 21 का ए, 21 का ए होना चाहिए। ये यहाँ पे गलती से मैंने सी लिख दिया है, करेक्ट कर देता हूँ, 21 का ए होगा। तो 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेल चाइल्ड पर 100 गर्ल चाइल्ड। उल्टा कर दें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ मेल यानी कि लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स जिसमें, तो हरियाणा फेमस है उसके लिए। 22 का सी होगा मेरे हिसाब से। 23, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी टू परस्पेशन, पसीने से जो निकलता है पानी वो बाहर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करेगा। 23 का सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। आयरन तो होगा भाई, आयरन जो क्लोरोफिल होता है उसमें आयरन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। मैग्नीज भी होगा, कॉपर भी होगा, मैग्नीशियम। 24 का डी होना चाहिए, आई थिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। 24 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हीमोग्लोबिन। रेड कलर का होता है, ऑक्सीजन का कैरियर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजन ले आता है टिश्यू तक, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लाता है लंग तक, और कौन लेके जाएगा। बट एसिडिक तो नहीं होता। तो 25 का सी जो है वो मुझे सही लग रहा है। मेजरमेंट ऑफ ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन, इससे तो नहीं समझ में आ रहा, बट HbA1c मुझे डायबिटीज मेलिटस से कनेक्टेड लग रहा है। 26 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैज बीन प्रिस्क्राइब बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटी। डिफेंड द कंट्री है, प्रिजर्व द हेरिटेज है, सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी है, बट इनकम टैक्स देना नहीं है। तो 27 का 134 होना चाहिए, यानी कि डी होना चाहिए। 28, दो स्टेटमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा राज्यसभा, हाँ भी पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबिल होती है, ये पहला सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबिल होती है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है सिर्फ लोकसभा को रिस्पॉन्सिबिल होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेरे हिसाब से जो अकाउंटेबल है वो मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट। सही बात है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के लोग मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों के अकाउंटेबल है। आई थिंक एजर्सन जो है वो मुझे लग रहा है फॉल्स है, सिर्फ लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। बट रीजन इज टू, 28 का डी होना चाहिए। 28 का मैं सही कर लेता हूँ, 28 का डी होना चाहिए, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है शायद, शायद क्या मुझे पक्का लग रहा है। अमंग द फॉलोइंग कमिटीज एट पंचायती राज, ये तो मैं बिल्कुल पक्का बता सकता हूँ। सबसे पहले बनी थी बलवंत राय मेहता, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के एक एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। फिर बनी थी अशोक मेहता कमेटी, यानी कि थ्री सबसे पहले आना चाहिए, फिर फोर आना चाहिए। फिर बनी थी थ्री फोर के बाद जो है बनी थी लक्ष्मी बल सिंघवी और राव कमेटी। 29 का मैंने क्या लिखा है, सी लिखा है। फिर बनी थी राव कमेटी और फिर बनी थी लक्ष्मी बल सिंघवी। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट जो बनाए गए हैं वो लक्ष्मी बल सिंघवी लास्ट, इसी को ही बेस करके बनाए गए थे। 3, 4, 1, 2, 29 का सी, बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता, फिर राव, फिर लक्ष्मी बल सिंघवी, एलएम सिंघवी। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। 12 है, 30th का सी, हाँ 12th है। कारपेंटर ए मेक्स वन चेयर इन 6 आवर, तो 1 घंटे में 1/6, बी 1 घंटे में 1/7, सी 1 घंटे में 1/8। तो तीनों मिलके 1 घंटे में 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8, 8 घंटे में 8 × 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8, और 21 दिन में, तो 21 × 8 × 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 सब मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 73 आ रहा है। 31 का सी, फिल इन द ब्लैंक। देखो बी सी डी एफ जी एच आई के एल एम एन पी, सबसे पहले मिलाओ, सारे ऑप्शन में क्यू आर है, यानी कि लास्ट के दो देखने, अरे लास्ट का देखो ना सीधे। एफ से के बनने में कितना गया, एफ के बाद के कैसे आएगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, जी एच आई जे के यानी कि जी एच आई जे के पांचवा आ रहा है, एफ से के में पांचवा आ रहा है। तो पी से पांचवा दोनों, क्यू आर एस टी यू, यू क्यू आर
एस यू, यू किस में आ रहा है, सी में, तो 32 का सी होना चाहिए, 32 का सी, 32 का सी, 32 का सी होना चाहिए। मैंने लॉजिक भी बता दिया और लॉजिक मिलाओ। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया अगर 1980 का सैटरडे में पड़ा, एक्स 3 मार्च को बॉर्न किया था, वाई 4 डेज ओल्डर है, वाई 4 डे ओल्डर है, तो 3 मार्च से 4 दिन पहले जाएंगे तो आएगा मेरे हिसाब से 29 फरवरी। 29 फरवरी हो सकता है, बिल्कुल लीप ईयर लग रहा है मुझको, 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है। लीप ईयर अगर है ये तो 29 की फरवरी हो सकती है, तो 29 फरवरी है और 26 जनवरी को सैटरडे पड़ रहा है, 26 जनवरी से 29 फरवरी अगर आप हफ्ते हफ्ते जोड़ते जाओ तो सैटरडे पड़ रहा है, सैटरडे इनमें से कोई दिन नहीं है तो नन ऑफ दीज होना चाहिए, तो 33 का डी होना चाहिए। लॉजिक मैंने बता दिया, लॉजिक मेरा बिल्कुल परफेक्ट है और आप उसी से मिला लो। 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी प्लेस एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये मुझे अभी तो समझ में नहीं आ रहा था, 34, इसलिए मैंने 34 स्किप कर दिया है, जहां मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता मैं छोड़ देता हूँ। एक एक क्वेश्चन मैं छोड़ दिया है, एक क्वेश्चन और छोड़ा है पूरे पेपर में, बस जो मैंने किया नहीं है, मतलब मैंने अभी सॉल्व जब किया है तो मैं पेपर तो मैंने नहीं दिया था। 5 ईयर्स बैक रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वर 4:5, प्रेजेंट ए 29 है, तो प्रेजेंट ए अगर 29 है तो 5 साल पहले रही होगी 24, 24 अगर 4 है तो 6, 6 × 5 = 30, तो बी की 5 साल पहले 30, तो 30 से 5 जोड़ो तो 35, तो 35 का डी होना चाहिए, 35वें का डी, बिल्कुल सही। 36वां, x2 + 2 की पावर 1/3, 2 to the power 2/3, then the value of this is, तो ये मैं सॉल्व कर रहा था, शायद 1 आ रही थी, नहीं सॉरी 1 तो नहीं आएगी, ये शायद 2 आ रहा था, बट मैंने इसको उसमें गड़बड़ होने के चांसेस थे, तो ये मैं इसका करेक्ट आंसर आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, डोंट नो मैंने लिखा है। 37, टू कार्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल, पीएसी अगर 50 है देन पीडीबी कितना होगा। देखिए पीएसी अगर 50 है तो उसके जस्ट बगल वाला 180 माइनस 50 130 होगा, बट पीडीबी जब निकालेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि 50 या 130 कहीं पैरेलल वैरल कुछ तो है नहीं है ऐसा कुछ, तो ये मैंने नन ऑफ द एबो मुझे जो है सही लग रहा है, 37 का डी। एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबर का 21 एंड 84 है, ये बड़ी इजीली बता सकते हैं, 21 4 जा 84 है, और रेशियो ऑफ नंबर भी 1:4 है, इसका मतलब है कि एक नंबर 21 ही होगा, दूसरा नंबर 84 होगा, तभी जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 21 आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 84 आ जाएगा, लार्ज नंबर 84 है, 38 का बी होगा, 38 का बी, 38 का बी। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, 38 का बी, 38 का बी है, 38 का बी। अब आते हैं 39, विच स्टेट ऑफ इंडिया रैंक टॉप इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स अमंग टॉप जो बड़े स्टेट थे गुड गवर्नेंस में, आई थिंक तमिलनाडु टॉप किया था, 39 का बी होगा, 39 का बी है, सही बात है। व्हाई द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्सिंग, देखिए ऐसा है, डायरेक्ट टैक्स जो लगते हैं जैसे जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, वो क्या करेगा कि भाई 5 लाख से नीचे तो नहीं है, 5 लाख से फिर उस पर है तो 20%, फिर 10 लाख से ऊपर है तो 30%, तो जो ज्यादा रिचर लोग हैं उन पर ज्यादा लगता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स से जीएसटी है, जब आप सामान खरीद रहे हो तो जीएसटी अमीर गरीब नहीं देखेगा, वो तो लग गया जितना लगना था वो सबके ऊपर एक ही है, ये एक तरीके से रिग्रेसिव है क्योंकि ये सेम रेट लगाता है सारे इनकम ग्रुप के लिए। 48 का, 48 का बी होगा, 48 का बी। 41, इंडिया एम्स टू अचीव द 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 2024 तक, 2019 से 2024 मतलब जब तक मोदी का टर्म पूरा होगा तब तक है, 41 का बी होगा। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 15th फाइनेंस कमीशन इज नॉट करेक्ट, 15th फाइनेंस कमीशन नवंबर 2017 में बनाई गई थी, बिल्कुल सही है, एनके सिंह चेयरमैन है, बिल्कुल सही है, रिकमेंडेशन 5 साल का पीरियड कवर करेगी 2020 से 2025, ये भी सही है, लेकिन कमीशन को अक्टूबर 30 तक रिपोर्ट सबमिट करने को बोला गया ऐसा कुछ नहीं है, 42 का डी गड़बड़ है। अमंग द नेम ऑफ द फॉलोइंग पल्लवा रूलर्स, इनमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाना है, ये मैं बोल दे रहा हूँ खुद ही से कि मैंने गैस किया है कि नरसिंह वर्मन और महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन मुझे सबसे पुराने लग रहे थे, नरसिंह वर्मन सबसे नए लग रहे थे, तो 43 का जो मुझे ऑर्डर समझ में आया वो ए है, ए का मतलब है 4, महेंद्र वर्मन सबसे पुराने, 3 नंदी वर्मन, सॉरी नंदी वर्मन सबसे नए, नंदी वर्मन में 2, ऑब्वियसली 2 वाला बात का ही होगा, 1 वाले पहले होंगे, तो मैंने ये 43 का ए किया, हो सकता है ये वाला गड़बड़ हो, अगला वाला गड़बड़ नहीं होगा, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त 2 कुमार गुप्त, क्योंकि इसमें मुझे अच्छे से पता है कि 44 का जो है वो ए है, यानी कि चंद्रगुप्त की कुमार देवी और समुद्रगुप्त की दत्त देवी, चंद्रगुप्त 2 की कुबेर नाग और कुमार गुप्त की आनंद देवी, इसमें से एक जो मुझे बिल्कुल कंफर्म है वो है
सी चंद्रगुप्त टू की कुबेर नाग। अगला आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद का नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर था 100%, न्यू इंडिया एनिमेशन का तो ये भी 100% सबको पता होगा, तहजीब उल अखलक मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं था, तहजीब उल अखलक मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, मुझे याद नहीं आ रहा किसका था, लेकिन संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का था, ये 100% है। तो ए बी डी मुझे 100% पता है कि ये सही है, तो यही वाला गड़बड़ होगा, 45 का सी गड़बड़ है, 45 का सी। 46 ताजुल मसीर खजरन उल फतू तहरीक मुबारक शाही फतवाए जहंदारी, इसमें सिर्फ एक पता है फतवाए जहंदारी, और ये फतवाए जहंदारी जो है वो जियाउद्दीन बरनी निजामी खुसरो सरहिंदी परानी का लग रहा है। 46 का ए लगाया है मैंने, और जिसमें डी का वन, हाँ सही बोल रहा हूँ, फतवाए जहंदारी डी का वन, डी का वन और कोई है ही नहीं, फतवाए जहंदारी बरानी का है, तो डी का वन सिर्फ ए में मैच हो रहा है, इसलिए मुझे 46 का ए सही लग रहा है, बिल्कुल सही कंफर्म है। 47 ये तो मैं बता सकता हूँ, फ्रेजर का पुलिस कमीशन बनाया गया था, तो ए का 3 होना चाहिए। अब ए के 3 के दो ऑप्शन है, मैकडोनल्ड के नाम पे रेलवे कमीशन बना था, तो बी का 4 होना चाहिए, नहीं, मैकडोनल्ड के नाम पे फेमिन कमीशन, 47 का देख लेता हूँ, 47 का ए यानी कि मैकडोनल्ड का फेमिन कमीशन बना था, मुनक्रिफ का इरिगेशन कमीशन बना था, और रॉबर्टसन का रेलवे कमीशन बना था, और फ्रीजर का तो खैर पुलिस कमीशन था ही था, तो 47 का ए है, 47 का ए। 48 दो स्टेटमेंट है, आर्य समाज ने सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया था, बिल्कुल दिया था, उस समय जरूरत भी थी, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, आर्य समाज वाइट रेस की सुपेरिटी में बिलीव नहीं करता था, अंडरमाइन किया था, हिंदुओं को फिर से कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की थी, दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए। 49 लाला लाजपत राय पहले फेवर में नहीं थे नॉन कॉपरेशन के, बट वो गांधी जी के साथ आ गए, और वो स्वराज पार्टी, मुझे स्वराज पार्टी वाला सही नहीं लग रहा, लाला लाजपत राय स्वराज पार्टी में तो नहीं थे, 49 का वन ओनली सही लग रहा है, 49 का ए लिखा है इसलिए मैंने। करेक्ट द कंसीडर द एनेक्सेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो यहाँ तक मुझे पता है कि इसमें सबसे लास्ट में जो था सबसे पहले सतारा हुआ था, सतारा महाराष्ट्र, फिर बागाट उदयपुर, झांसी सबसे लास्ट में होना चाहिए, यानी कि टू सबसे लास्ट में, तो 50 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, सी यानी कि टू, झांसी सबसे लास्ट में, तभी तो फिर उसके बाद 1857 चढ़ गया होगा, झांसी के ट्रिगर पॉइंट था, तो टिगर झांसी सबसे लास्ट में टू रखो, सबसे पहले सतारा रखो, सी 1342। 51 फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, तो देखो ऐसा है कि एक स्टेट गवर्नमेंट के प्राइसेस होते हैं गन्ने में और शुगर में, चीनी में, दूसरा एक सेंट्रल गवर्नमेंट एफआरपी डिसाइड करती है, बट एफआरपी डिसाइड कौन करता है, तो वो एक कमेटी है फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी, 51 का बी करती है। दो स्टेटमेंट है, सनफ्लावर ऑयल गुड क्वालिटी, हाँ सनफ्लावर ऑयल तो ठीक ही होता है, सूर्यमुखी का तेल, और हाई क्वांटिटी ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, अभी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड सही माने आते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो खराब माने जाते हैं हल्के लिए, तो अनसेचुरेटेड है तो गुड क्वालिटी क्वालिटी तो बोल ही सकते हैं, तो दोनों सही लग रहे हैं, 52 का ए होगा। 53 आते हैं, रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट अभी तो चार चल रहे हैं, इस समय 16 अगस्त की बात करें, पर ये दिसंबर 2019 का, मतलब ये है कि ये पेपर बहुत पुराना बना हुआ है, ये पेपर दिसंबर 2019 के करंट अफेयर, यानी कि पेपर मार्च अप्रैल में बन गया था, अभी उन्होंने जो मार्च अप्रैल में कोरोना के जस्ट बाद जो रिपो रेट आरबीआई ने करेक्ट किया था वो नहीं लिखा, पूछ रहे हैं, वो दिसंबर का पूछ रहे हैं, इसका मतलब पेपर मार्च अप्रैल में बन गया था, और दिसंबर 2019 में जो रिपो रिवर्स रिपो रेट थी वो 5.15 यानी कि सी, 53 का सी होना चाहिए। 54 पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिपोर्ट टू सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक इंडिया में होलसेल प्राइस इंडेक्स चलता है और एक चलता है सीपीआई, तो देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स में तो होलसेल सारी चीजें आती हैं, सीपीआई में जो कंज्यूमर जो आम आदमी जो खरीदता है चीजें उन चीजों को वेटेज ज्यादा दिया गया है, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों, क्योंकि तो आम आदमी जो है वो गुड और सर्विसेज जो भी जैसे स्कूल की फीस या गुड्स में हो गए पेट्रोल डीजल, तो जो जो आम आदमी को जिन सब चीजों से फर्क पड़ता है, ये डिप डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन नहीं करता है, दूसरा गलत है, ये इन्फ्लेशन के लिए भाई सही बात है, आम आदमी जो कर जो उसको कॉस्ट पड़े उसी के हिसाब से तो इन्फ्लेशन चेक किया जाएगा, उसके दाम घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो 54 का 103 होगा, सी होना चाहिए, 54 का सी। 55 द बिगेस्ट सेंटर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये मैंने गेस कर रहा हूँ नोएडा होना चाहिए, 55 का डी। 56
विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ यूपी अन्ना प्रथा, अन्न प्रथा जो है बुंदेलखंड में क्या होता है, बुंदेलखंड में पुराने जमाने में क्या होता था बुंदेलखंड में कि जमीन उतनी पैदा उसमें उपज तो है नहीं, फर्टिलाइजर यूज नहीं करते थे, तो जब वो अनाज फसल कट जाती थी तो वो अपने जानवरों को छोड़ देते थे। जानवर वहां पे क्या करते थे, जानवर फसल पे जो भी करेंगे वो काउडंग वगैरह जो होगा वो फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा, वो जमीन को फिर से उपजाऊ बना देगा, और जानवरों को चरने के लिए छोड़ देते थे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि इतनी सारी गाय भैंस जब अगर आ जाएंगे आपके लैंड पे तो वो हाईवे, अब जब हाईवे बनने लगे तो हाईवे पे आ गए, एक्सीडेंट हो रहा है, कितने मर रहे हैं, कई जानवर जो है भूखे तड़प रहे हैं, और ये फसलों को भी नुकसान देने लगा। तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री हर चीज के लिए नुकसानदायक है, ये बुंदेलखंड की प्रॉब्लम है बड़ा, ये वहां पे कल्चर टाइप का बन गया है नपता का। बी, तो 56 का बी ऑप्शन होगा, 56 का बी। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कन्नौज का परफ्यूम किसको नहीं पता है, कन्नौज की परफ्यूम, बुलंदशहर का खुर्जा का सिरामिक, बुलंदशहर खुर्जा बुलंदशहर में ही आता है, चित्रकूट के वुडन टॉयज ये भी फेमस है, प्रतापगढ़ का गुआवा जली, अरे यार सबको पता है गुआवा यानी कि अमरूद तो अलाहाबाद का है, प्रतापगढ़ का तो आंवला होता है, आंवला, तो डी का पड़ा है, 57 का डी। 58 पे आते हैं, अगरिया बैगा भैया, ये मेरे हिसाब से अंबेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र, ललितपुर, सोनभद्र मुझे लगता है सबसे ज्यादा ट्राइबल इलाका है, तो मुझे अपने गैस 58 सी लग रहा है। 59, फॉस्फेटिक बायो फर्टिलाइजर राइजोबियम होता है, फिर इसमें कोई गैस नहीं है। राजन साजन मिश्रा ताज बेगम बड़ी मैना, ये सब तो सुने सुने लग रही है, सब कुमरी ध्रुपद वाले ही हैं, ये अंबाजी चतुर्वेदी जी मुझे गड़बड़ लग रही है, 60 का डी। 61, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसको नहीं पता होगा, ए का थ्री, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी लग रहे हैं, वैद्यनाथ मिश्रा तो मुझे कंफर्म है नागार्जुन है, धनपत राय श्रीवास्तव ये भी सबको पता होगा, मुंशी प्रेमचंद का नाम है श्रीवास्तव जी, धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद जी का नाम है, तो सही आंसर जो 61 का है वो सी है। स्वच्छ भारत मिशन फोकस ऑन कलेक्टिव बिहेवियरल चेंज, बिल्कुल सही है। ओपन डिफिकेशन कई लोगों के लिए अर्ली मॉर्निंग वॉक है, सुबह सुबह टहलने निकला जाए। क्रॉप चेक करें भाई, हमारी फसल ठीक ठाक चल रही कि नहीं चल रही, सो स्लाइस कर रहे हैं और लैटिन करते करते आपस में बात कर रहे हैं, और बताओ क्या चल रहा है। दोनों सही लग रहे हैं मुझको, 62 का सी, बोथ वन एंड टू। ग्रीन पीस इंडिया जनवरी 2020 में 287 इंडियन सिटी में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड झारखंड का झरिया, कोयले की माइंस है वहां पे, बहुत गंदा इलाका है पोल्यूशन के टर्म्स में, 63 का बी। तो नेक्स्ट आते हैं 64, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट 3 डे इंटरनेशनल सेमिनार ऑन क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग बिम्स्टेक, काठमांडू में हुआ था, हुआ था, और इट वॉज एम टू है शेयरिंग फॉर मोर रिजिलियंस, दोनों सही लग रहे हैं, 64 का सी। फिर आते हैं नेक्स्ट पे पेज पे 65, पेरिस किंशासा बैंकॉक असंसियान, पेरिस साइन रिवर पे है, किंशासा अफ्रीका में जायरो यानी कॉन्गो रिवर पे है, बैंकॉक थाईलैंड चाओ प्राया पे है, असंसियान पैराग्वे पे है, तो 65 का जो करेक्ट आंसर बनेगा 65 का वो बनेगा सी। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नॉर्थ साउथ सिक्वेंस, सबसे नॉर्थ में सबसे ऊपर जापान का जो रशिया के आसपास है वो होकाइडो है, फिर वो होन्सू है, फिर सिकोकू है, फिर क्योसू है, डी होना चाहिए, 66 का डी। 67, डेजर्ट्स 15 से 30 डिग्री, वैसे 30 डिग्री के आसपास मिलते हैं वेस्टर्न मार्जिन पे, हाँ थार को देख के तो यही लग रहा है, अरेबियन डेजर्ट को देख के भी लग रहा है, साउथ अमेरिका में जो वो है डेजर्ट वो उसको देख के ये लग रहा है, ट्रेड विंड्स अपना मॉइस्चर खो देती हैं, ट्रेड विंड, हाँ सही बात है, ईस्टर्ली होती हैं, ईस्ट से चलती हैं, मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है, तो डेजर्ट टाइप की कंडीशन बन जाती है, दोनों सही है, करेक्ट रीजन है, 67 का ए होना चाहिए। 68, उकाई का डैम, उकाई डैम तापी पे है, जैकवाड़ी गोदावरी, खड़कवासला पुणे में है, मूथा मूथा रिवर पे है, और मौरकाची अम्बी, 68 का सही होना चाहिए बी। 69, ग्रीस इलेक्टेड कैटरीना साकेलोरा पोलू, सही लग रही है, ग्रीस ने विमेन प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट किया था जो किसी पार्टी में बिलोंग नहीं करती, 69 का सी, बोथ वन एंड टू, 69 का सी। 70 पे आते हैं, मैच लिस्ट, माकूम आसाम में है, नामची अरुणाचल है, गिरडी झारखंड है, सुहागपुर मध्य प्रदेश है, सब माइंस है, कोल फील्ड है, बिल्कुल सही, सारे ऑप्शन सही है, बिल्कुल मैच है, 70 का ए, ए बी सी डी बिल्कुल, 1 2 3 4। दो ट्रेन है 90 70, 90 में से 70 हटाओ 20 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो 20 × 5/18, अब 18 सेकंड ही लग रहे हैं, तो 100/18 की स्पीड से 18 सेकंड, तो 100/18 डिस्टेंस अपॉन टाइम, 18 सेकंड तो 100 मीटर, 71 का बी।
21 का बी, 22, 72 का टू, एक आर्टिकल को 100 रुपये मान लो सेलिंग प्राइस, तो 3/4 सेलिंग प्राइस मतलब 75 रुपये में तुमने बेचा, 75 रुपये में बेचने में 10% का लॉस हुआ, यानी कि अगर एक्स मान लो तो एक्स का 10% मतलब हटाने के बाद 0.9x 75 है, तो एक्स हो गया 75/0.9, 75/0.9 करने के बाद ही करीब आएगा 83 रुपये कुछ आ रहा था, और 100 पे तुम बेच रहे हो, 83 तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, तो 83 से 100 17 रुपए, जबकि 83 का 10% 8 होता है, तो 17 रुपए, 8 का डबल 8 दोनों 2 16, तो 20% का प्रॉफिट, तो 72 का डी, 72 का डी, 73 कंपाउंड इंटरेस्ट 420 रुपए 5%। तो देखो ऐसे सीधे सीधे देखो यार, 8,000 रुपए का 10% होते 800, 5% होंगे 10% होगा 800, 5% होंगे 400, पहले साल 400 तो 8,400 हो गए, 8,400 का 10% 840, आधा करो तो 420, तो ये होगा डी, 73 का डी। फिर आते हैं 74, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए गवर्नमेंट ने 3.3% जीडीपी का फिस्कल डिफिसिट रखा था, 74 का ए, 74 का ए, 74 का ए, 74 का ए। 75 पे आते हैं, कौन सा स्टेट जो है टॉप 5 स्टेट में नहीं है, हिमाचल, तमिलनाडु, आंध्रा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, हिमाचल है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, गुजरात नहीं है, गुजरात नहीं है, तो 75 का क्या बना, 75 का बना ए। कंसीडर द फॉलोइंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड अरेंज देम। देखो केयर तो इंडिया की नहीं है, केयर है बाहर की वर्ल्ड लेवल पे, और ये 1948 के आसपास की, केयर सबसे पुरानी है। फिर इंडिया में बनी थी क्राइसिल, क्राइसिल बनाई थी आईसीआईसीआई बैंक ने, 3, इकरा सबसे बाद में बनी है इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो 132 होना चाहिए ऑर्डर, और 76 का होना चाहिए डी, 132, 76 का डी। रिसेंट अमलगमेशन ऑफ पब्लिक सेंटर बैंक में मर्जर मर्जर चल रहा है ना, जैसे मुझे याद आ रहा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया है, विजया बैंक को देना बैंक को बैंक ऑफ विजया बैंक को किसमें मर्ज किया गया, देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया गया है, तो ये बड़े बैंक बना रहे हैं। भारत का, इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है आप सोचो, लेकिन अभी भी इंडिया का कोई बैंक टॉप 100 में नहीं आता, और जितनी बड़ी इकोनॉमी है बड़े बैंकों पर बनी है, तो इंडिया में कोई बड़ा बैंक ही नहीं है वर्ल्ड लेवल का, इसलिए क्योंकि छोटे छोटे बैंक बने हुए अपनी फरियापा करते रहते हैं, तो एक बड़ा बैंक बनाना है इकोनॉमी ऑफ स्केल के लिए, कैपिटल एक्सेस के लिए, लार्ज जगह ऑफ क्लेवियर कवर करने के लिए, और बैंक ऑफ ग्लोबल साइज बनाने के लिए। लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया तो खैर सभी कवर करते हैं, बट बैंक एक ग्लोबल साइज का बनाना है, तो मेरे हिसाब से तो ऑल सही लग रहे हैं, 77 का डी, 77 का डी। ग्लोबल साइज का इंडिया में कोई बैंक नहीं है, जितनी बड़ी इकोनॉमी है उस हिसाब से कोई बैंक नहीं है। तो सताक्षरी संहिता, सत सहस्री, सत सौ सहस्री, हजार, 100,000, 1,00,000, 10,00,000, 10,00,000 किसमें थी, हिम्स, मेरे हिसाब से ऋग्वेदा में थी, 78 का ए, 78 का ए। 29, कौन सी मेटल करदम्बक छत्रप, छत्रप है ना, छत्रप्स का रूल था रेयर कॉइन में, मेरे हिसाब से गोल्ड ही होना चाहिए, और क्या होगा, गोल्ड या कॉपर चलता तो उस समय, 29 का डी, गोल्ड किया मैंने। न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, इसमें जो मुझे सबसे सही लग रहा है, न्याय दर्शन जो है वो लॉजिकल थिंकिंग होती है, यानी कि ए का 4 होना चाहिए, उसी को मैंने मिला दिया 80 का बी, एक 4, बी का 3, सी का 1, यानी कि सांख्य जो है वो रियल नॉलेज है, और डी का 2, वेदांता जो है वो नॉलेज ऑफ सेल्फ है, 81। वैसे बहुत क्लोज थे ऑप्शन। कन्नौज का पहले तो सबको पता है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, 81 का बी, 81 का बी। 82, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मेजर कॉज टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा को लेके गांधी जी ने वापस ले लिया था रीजन, तो ये बताया गया, 82 का डी। 83, नॉट एसोसिएटेड विद गदर पार्टी, हरदयाल थे गदर पार्टी में, बरकतुल्ला थे, पंडित रामचंद थे, खुदीराम बोस कहाँ भैया, खुदीराम बोस इंडिया से कभी बाहर गए नहीं, गदर पार्टी लंदन में बनी थी, 83 का डी, 83 का डी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, 84 एंड अबव, 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नील अप्रोक्सीमेटली सही लग रहा है, 1859-60, जयंतिया 60-63, नील तो बंगाल बिहार, जयंतिया, जयंतिया कुकी, कुका 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 रिवॉल्ट भी सही लग रहा है, 32-34, कुकी ट्राइब 1860-90 नहीं थी यार, कुकी 1900 में हुआ था कुछ, कुकी का वर्ड लग रहा है, 84 का सी होगा, 84 का सी, 84 का सी। 85, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स आई एम एन इंडियन टॉम टॉम, ये एनी बेसेंट, 85 का डी, 85 का डी, मैं जो है बस लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ, 85 का डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर नोड्यूल, नोड्यूल तो नाइट्रोजन के बनते हैं मेरे हिसाब से, 86 का ए। कितनी यूरिया चाहिए होगी 1 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए, डबल से थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होती है, 2.2, 87 का बी, 87 का बी। ऊसर, ऊसर सॉइल अल्कलाइन सॉइल होती है, और अल्कलाइन मतलब छारी जो है, जो चीज होगी उसकी पीएच 7 से ज्यादा ही होगी, तो दूसरा तो सही है। पैडी क्रॉप कैन बी ग्रोन, हाँ ग्रो कर सकते हैं पैडी क्रॉप, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट का। तो लाइम नहीं, लाइम तो कैल्शियम ऑक्साइड होती है, लाइम से कोई फायदा नहीं होगा, छार कैल्शियम ऑक्साइड तो और ज्यादा एल्कलाइन बना देगी। ऊसर सॉइल में अगर कुछ मिलाना है तो जिप्सम मिलाओ, कैल्शियम सल्फेट H2SO4 एसिड जाएगा, वो एल्कलाइन को बैलेंस कर देगा। तो 88 का 2-3 होना चाहिए, तो 88 का बी, 88 का बी। 89 फॉर्चून 500 में, आजकल तो भैया रिलायंस का चल रहा है मामला, 89 का सी, रिलायंस के पास खूब पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 90 फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यूपी में रिहंद डैम पे किया गया था, 90 का डी। 91 किस शहर में यूपी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, कानपुर में है, मेरे घर के पास है, ये भी बता देता हूँ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में, कल्याणपुर में है, मेरे घर के बिल्कुल पास, 91 का सी, 91 का सी। 92 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑरेंज, सहारनपुर में है, 92 का सी। 93 वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारस में है, दो पता है तो मैच करा दो, 93 का सी बनना है भैया। 94 लार्जेस्ट मिल प्रोड्यूसर यूपी है, पोटेटो कल्टीवेशन होता है, सुगर केन अरे गन्ने गन्ना भैया यहाँ पे, पैडी कल्टीवेशन में थर्ड पोजीशन, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, 94 का बी, बी यानी कि 1 2 3 4 में गड़बड़ लग रहा है, बाइबल बुक नो नाट्यशास्त्र होनी चाहिए, 95 का ए। अनटचेबिलिटी वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर वायलेंस है, लीजियस सेंक्शन के नाम पे करते हैं, हाँ सही बात है, दोनों सही लग रहे हैं, करेक्ट रीजन भी है, तो 96 का ए। 97 रूरल पॉपुलेशन ओपन डेफिकेशन को बहुत थ्रेट नहीं मानती, और प्योरिटी और पोल्यूशन की वजह से, वो मूवी देखी होगी ना अक्षय कुमार वाली, वो पंडित जी बोलते हैं हमारे घर में अंदर नहीं रखना है, प्योरिटी बनाए रखनी है, घर के बाहर बनाओ टॉयलेट, तो सही रीजन लग रहा है, तो 97 का ए। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग ऑफ दिस 4 रिफर्बिश्ड हेरिटेज बिल्डिंग इन कोलकाता, मोदी ने कोलकाता की कुछ बिल्डिंग्स को फिर से हेरिटेज बिल्डिंग में रिफर्बिश करके, उनको रिपेयर करा के, नवीनीकृत करा के नेशन को किया था, उसमें राइटर्स बिल्डिंग जहाँ पे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट चलती है, ऑफिस है, उसको नहीं किया था, बाकी विक्टोरिया मेमोरियल वगैरह सब थी। 98 का डी, विक्टोरिया मेमोरियल थी, राइटर्स बिल्डिंग नहीं थी। WHO के हिसाब से कौन सी कंट्री में मीजल्स का आउटब्रेक है, मीजल्स जो होता है खसरा, वो अभी अफ्रीका के सबसे गरीब कंट्री DRC कांगो में चल रहा है मामला, तो 99 का सी होना चाहिए। 100 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका इंडिया ओपन इज फर्स्ट महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर, नाइजर, 100 का ए। 2020 में मिशेल ओबामा को ग्रैमी मिला बिकमिंग के लिए, 101 का ए। स्विट्जरलैंड सिंगापुर इंडिया USA, स्विट्जरलैंड 1 है, इंडिया 72 है ग्लोबल टैलेंट में, बट USA की 4th नहीं है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन USA इतनी ऊपर नहीं है, 102 का डी। 103 सुचेता सतीश 100 ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड, हाँ एक लड़की को मिला था, दुबई में रहती है, 120 लैंग्वेज में 5 मिनट में गाना वाना सुना दी थी जल्दी से, दोनों सही है, 103 का सी। 104 कॉप 26 इज शेड्यूल्ड, होना है अभी हुआ नहीं है, ग्लासगो आयरलैंड, 104 का ए, 104 का ए, हुआ नहीं अभी ग्लासगो वाला। बाकू अजरबैजान ब्लैक सी पे, 105 का ए। 106 लानोस साउथ अमेरिका में, स्टेपी नॉर्थ अमेरिका, पेरी नॉर्थ अमेरिका में, स्टेपी यूरोप, वेल्ड साउथ अफ्रीका, मिला दो, 106 का डी। 107 बंबू एवंडर ग्रास जम्मू में कराया गया था, लगाओ वहां पे, 100 जम्मू में, जम्मू नहीं कश्मीर में लगाओ, रेगिस्तान में, 107 सी लद्दाख में, सॉरी जम्मू में। किर्गिज, किर्गिज पता ही है यार, सेंट्रल एशिया, बुशमैन कालाहारी, आइनू जापान, बदोइन अरब, तो 108 का जो बना वो सी बना, 108 का सी। अब लास्ट पेज पे आ जाते हैं, 108 हो गए, इधर हो गए 108। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लिग्नाइट, लिग्नाइट की एक ही कंपनी नेवेली लिग्नाइट, 109 का डी, तमिलनाडु की है। 110 नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर, बराकर इंद्रावत, बराकर जमुनिया बरकी सब झारखंड की हैं, ये दामोदर की हैं, और इंद्रावती शायद गोदावरी की है, 110 का बी, सही बोला मैं। घाट प्रभा मल्ल प्रभा कर्नाटक, उकाई गुजरात, नीरा महाराष्ट्र, जवाई तमिलनाडु की नहीं है, 111 का डी।
उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट, बिल्कुल सही 112। आयरन ओर ऑफ रिजर्व धारवाड़ में भी है, कोड़प्पा में भी है। धारवाड़ कर्नाटक का है, कोड़प्पा आंध्र प्रदेश का आयरन ओर रिजर्व। तो 113 का मैंने बी लिखा है, कोड़प्पा, बस धारवाड़ भी सही हो सकता है, तो मैं 113 का बी ये दोनों लिख देता हूँ। बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, वैसे कर्नाटक में भी है आयरन उनका काफी सारा। 113 का, 113। सेल्वा फॉरेस्ट ये ब्राजील में बोलते हैं, ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट को 114 का ए होना चाहिए। फिर उसके बाद 115, सेंट्रल फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन प्रयागराज में खोला गया सोशल फॉरेस्ट्री, 115 का बी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट सबको पता, 1986 का, 116 का बी। 117, सबसे ज्यादा डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बंगाल में है, फिर बिहार में है, फिर केरल और यूपी में है, तो 117 का ए। 118, एसिड ड्रेन सल्फर डाइऑक्साइड, तभी तो H2SO4 बनेगा। फोटोकेमिकल स्मॉग, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन बॉडी में जाके हीमोग्लोबिन के साथ कुछ करती है रिएक्शन। ओजोन लेयर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैच करा दो तो 118 का सी। 119, माइकोरेजा फंगस लगती है प्लांट में, उसको बोलते हैं, तो 119 का सी है। और लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विटामिन इंटेस्टाइनल माइक्रोजिम सिंथेसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। विटामिन डी बॉडी सिंथेसाइज करती है ना, विटामिन हार्मोन्स की तरह करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। बॉडी में स्टोर होता है विटामिन ए, होती है ना फैट में स्टोर, हम जो खाते हैं विटामिन ए वो बॉडी में फैट में स्टोर होती है। विटामिन ए फैट सोल्यूबल है, इनफैक्ट विटामिन के भी फैट सोल्यूबल है, और विटामिन के जो वाटर सोल्यूबल लिखा यही गलत है। तो 120 का डी, 120 का डी, विटामिन के वाटर सोल्यूबल नहीं है, विटामिन के फैट सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल तो विटामिन सी होता है, पानी में घुल के चला जाता है। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड, और एक दो क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं, और बाकी मुझे लग रहा है ज्यादातर सही ही होंगे।